नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से। तो आज अपन बात करेंगे कि जो नए नए बिगिनर्स होते हैं और जो जिनकी चाह होती है SDM बनने की, DSP बनने की, और जो तमाम प्रकार के RTO ऑफिसर होता है, इंस्पेक्टर होता है, वैसे नायब तहसीलदार होता है, ऐसे बहुत से बच्चों की चाह होती है कि हमें बन के ऑफिसर बनना है एक बड़े होके। और 12th के बाद हमको, और 10th के बाद ही सबके सपने होते हैं कि SDM बनना है, DSP बनना है, और किसी किसी का तो एक जोश होता है कि हमें IAS IPS बनना है। तो आज अपन बात करेंगे कि जो बिगिनर्स होते हैं, जो मध्य प्रदेश में राज्य की सेवा परीक्षा होती है MPPSC की जो तैयारी होती है, वो बिगिनर्स किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या एक परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ता है परीक्षा के दौरान, और क्या क्या उनको कौन कौन सी ऐसी विशेष बुक होती है जो पढ़नी चाहिए सेल्फ स्टडी के दौरान। मैं आपको कोचिंग के लिए वो नहीं बोलूंगा, मैं सेल्फ स्टडी के बारे में बताऊंगा आप सबको, जो सेल्फ स्टडी करके भी बहुत से लोग जिनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद भी आप अच्छे से तैयारी करके आप MPPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं बेस्ट से बेस्ट बुक बताऊंगा जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगी, और उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और परीक्षा के दौरान आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, बिगिनर्स को जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम सारी जो फेस करनी होती है, उन सबका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, तो जो लोग चैनल पे न्यू आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारी मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपने 6th से लेकर 12th तक पास की होगी, फिर आपका जैसा जो आप देखते हैं और आपका जो सपना होता है, आपका एक सपना होता है कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई SDM बनता है, कोई DSP बनता है, कोई नायब तहसीलदार बनता है, और विशेष प्रकार की जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनका एक सपना होता है। ठीक है, तो जो एक MPPSC की तैयारी होती है मध्य प्रदेश में, आज उसकी बात करेंगे अपन कि मध्य प्रदेश में जो MPPSC की तैयारी होती है उसके जो बिगिनर्स होते हैं उनमें शुरू में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो सदी आपको MPPSC के एग्जाम की तैयारी करनी है सबसे पहले, तो आपका एक सपना है, तो आप सबसे पहले यदि एक परीक्षा के दौरान आपको उसकी पूरी रणनीति समझनी होगी कि MPPSC की परीक्षा कैसे होती है, क्या होता है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, तमाम प्रकार की जो चीजें होती है वो आपको पता करनी होगी। ठीक है, तो वो चीज मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात, तो यदि आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप MPPSC के बारे में सबसे पहले जाने कि उसमें क्या होता है और कौन कौन सी पोस्ट होती है। ठीक है, देन आप MPPSC के लिए पढ़ना शुरू करेंगे। अब मैं सेल्फ स्टडी के लिए बता रहा हूँ, या फिर आप कोचिंग, तो आप कोई भी जा सकता है, और कोचिंग ऐसा नहीं है कोचिंग वाले बता ही देते हैं सब, तो मैं सेल्फ स्टडी के लिए बता रहा हूँ। तो सेल्फ स्टडी करके भी और जॉब के दौरान भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले, आपको एक जो आपको MPPSC की साइट पे सिलेबस उसका मिल जाएगा, आपको उसका सिलेबस बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। ठीक है, और क्या उसकी क्वालिफिकेशन होती है, क्वालिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए कंपलसरी कोई सी भी स्ट्रीम में, तो आपको ग्रेजुएशन होगा तो आप MPPSC की तैयारी में। और आपकी एज, एज मैटर करती है, आपकी एज 21 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, देन आपको आगे जो परीक्षा के दौरान आपको जो पढ़ना होता है वो पढ़ने के बारे में बताता हूँ। तो आप पहले सबसे पहले सिलेबस देख सकते हैं और साइट से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राज्य सेवा परीक्षा का जो सिलेबस है, ये सिलेबस है, ऐसे सिलेबस आपको रखना होगा और उसके दौरान आपको समझना होगी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले आपका PSC का जो पैटर्न होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो PSC का जो पैटर्न होता है उसमें आपकी पहले प्री का एग्जाम होता है। ठीक है, प्री का एग्जाम होता है। ठीक है, उसमें आपके दो पेपर होते हैं, प्री के एग्जाम में दो पेपर होते हैं, एक एक होता है आपका GS का और दूसरा होता है आपका CSET का। ठीक है, तो पहला आपका CSET का पेपर होता है, वो 100 नंबर का होता है और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो और दूसरा प्रश्न पत्र भी आपका जो GS का CSET का होता है वो भी आपका 2 घंटे का होता है, उसमें 100 प्रश्न होते हैं और 2 नंबर के होते हैं। तो ऐसे आपका पहला पेपर होता है प्री का। ठीक है, तो प्री के पेपर में आपको प्री क्वालिफाइंग करना होता है, देन उसके बाद आपका जो प्री क्वालिफाइंग करने के बाद आपका मेंस का पेपर होता है। ठीक है, तो मेंस के पेपर में भी आपके निबंध के पेपर होते हैं, हिंदी का पेपर होता है और GS के पेपर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक मैं आप मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ सबसे पहले, और फिर आपको क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। डिटेल्ड में बात करेंगे अपन, तो आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। तो ये आपका एक छोटा सा मैंने प्रक्रिया बता दी MPPSC की। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं जो आपकी पढ़ने के दौरान आपकी जो बुक लिस्ट होती है वो आप कैसे पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सिलेबस समझना होगा कि आपको प्री का, यदि आप प्री का पढ़ रहे हैं तो प्री का आपको बहुत अच्छे से सिलेबस समझना होगा।
फिर उसके बाद मेंस की बात करेंगे। तो आपको प्री का सिलेबस बहुत अच्छे से समझना होगा, आपको साइट पे मिल जाएगा पूरा सिलेबस, जो अभी नया चेंज हुआ है वो सिलेबस है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो इसको अपन रख देते साइड में और बात करते आगे। तो जो अभी जो नया सिलेबस हुआ है उस नए सिलेबस के बारे में बात करें, तो नया सिलेबस है उसमें आपको जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि उसमें तमाम प्रकार के पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, सारी चीजें उसमें पूछी गई है कि मध्य प्रदेश का आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की यदि आप बात करें आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, सबसे बेस्ट बुक मैं आपको बताता हूँ, तो वो है आपकी मुकेश माहेश्वरी। मुकेश माहेश्वरी की जो बुक होती है ये एक उसके बुक के साथ ही फ्री आती है, जो मानचित्र वाली है और एक मुकेश माहेश्वरी जो साथ में होती है। तो आपको सबसे पहले मुकेश माहेश्वरी की जो बुक होती है उसमें से आपको पूरा एमपी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ही आपका जो एग्जाम है आपको पूरी एक ओवरव्यू जानकारी होगी कि एमपी के बारे में, ठीक है। और उसमें से आपके मेंस के जो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके उसमें से कवर हो जाएंगे। तो आपकी जो एमपी की बुक है, एमपी की बुक आपको मुकेश माहेश्वरी की बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, ठीक है। देन आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो आपको जो एमपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी आपको पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए, पेपर हुए, उनमें आपको किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे पास तो बुक है, बट आप साइट से कहीं से भी देख के आप पीडीएफ में ही पढ़ सकते हो और बुक भी आप अरेंज कर सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगी। तो आप आसानी से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। देन आगे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश आपका मैंने बता दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं तो आपका जो मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के लिए बुक आपकी ये बुक बहुत अच्छी है, बेस्ट है, एपीएल की है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर खेल मंथन, ठीक है, एपीएल प्रकाशन की है, जिसमें बहुत डिटेल्ड में बहुत कुछ आपको चित्र के साथ सब कुछ मिलता है देखने को, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, डाटा भी बहुत अच्छा होता है। तो ये आपकी मध्य प्रदेश की बुक हो जाती है पढ़ने के लिए, ठीक है, एमपीपीएससी के लिए। ये पूरा सेल्फ स्टडी का मटेरियल बता रहा हूँ, आपको कोई कोचिंग जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और फिर एक यदि आप रिविजन कर रहे हैं और आपका कुछ समय कम बचा है, 1 महीने की एग्जाम बाकी है, तो आप रिविजन के दौरान एक ये पेपर आता है इस प्रकार का तथ्यवान, इससे आप बहुत अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। इसमें आपके पूरे 52 जिलों की डिटेल दी है, ठीक है, और आपका इसमें करंट अफेयर भी बहुत सा कवर हो जाएगा। तो ये आपका और सस्ता ही आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता, 30-40 रुपए का ही आता है, तो आप ये भी खरीद सकते हैं रिवीजन के लिए। देन जो बड़े सब्जेक्ट होते हैं उनकी बात करें, तो बड़े सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका आता है सबसे पहले पॉलिटी। तो पॉलिटी में जो आपके सिलेबस में यूनिट 10 में जो आयोग दिए, वो आयोग आपके सारे इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। आप आयोग है वो इससे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, पॉलिटी से, पॉलिटी की बुक है ये एम लक्ष्मीकांत, आप इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपकी पॉलिटी भी कवर हो जाएगी और जो आयोग दिए हैं यूनिट 10 के वो आपके भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टडी के सारे मटेरियल है। देन आपका आता है एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी के लिए, वो है आपकी लूसेंट, ठीक है। आपको लूसेंट बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, आपको रटनी होगी, पढ़नी तो क्या रटनी होगी, ये लूसेंट आपने रट ली तो आपका पीएससी निकलने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको लूसेंट आपको बहुत अच्छे से रटनी होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये एक वो है एमपीपीएससी का ग्रंथ बोल सकते हैं। ये यदि आपने पढ़ ली तो आपका कम से कम 60% आपका एमपीपीएससी का सिलेबस ये कवर कर देगा, और मुकेश माहेश्वरी पढ़ ली आपने तो आपका 70-80% सिलेबस तो ये दोनों बुक ही कवर कर देंगे। देन आपकी जो यूनिट 10 है आयोग के आप नोट्स बना सकते हो, या फिर एम लक्ष्मीकांत अब यदि आपके पास है तो आप उससे पढ़ सकते हो। ऐसे तमाम प्रकार की सारी जो चीजें आप इधर उधर से कवर करके आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर पढ़ सकते हैं आप, कंप्यूटर परीक्षा मंथन से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपके 5 से 7 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं पीएससी में, प्री में, तो आप वो भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं एक पीएससी के लिए एमपी के लिए मानचित्र की बुक भी आप पढ़ सकते हैं, जिसे मानचित्र की बुक है, तो इससे भी आप मानचित्र कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें मेरे को समझ में आई होगी बहुत अच्छे से पीएससी के लिए, तो अच्छे से समझ में आई है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो नई नई पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैंने सारी बुक सेल्फ स्टडी के लिए बताई, इससे आपका यदि आप प्री के लिए तैयार है तो आराम से आपका प्री का पेपर आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेंस की पूरी तैयारी बताऊंगा। यदि आपका इस वीडियो पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है तो मेंस के लिए भी आपको सब कुछ बताऊंगा डिटेल्ड में। तो ये आप बिगिनर्स हो तो आप ये सारी बुक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट पीएससी के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, जानकारी भी समझ में आई होगी। तो सब कुछ अच्छा लगा है
तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको कोई सी भी एग्जाम से जानकारी रिलेटेड चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।